आदाब, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं खिताब पीर पंजाल से। खिताब पीर पंजाल की सबसे बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं। इस वक्त तहरीकी जो है तारीकी मुगल रोड जो है वो फिलहाल आर्जी तौर पर इंतजामिया की तरफ से बंद कर दी गई है। अभी ये अपडेट आई है हमारे पास इंतजामिया की किसी मुलाजिम की तरफ से, हमें इस बात की जो है वो मालूमात मिली है कि मुगल रोड को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। जब हमने वजहवात जानने की कोशिश की तो अभी तक ये मालूम ना हो सका कि वजहवात क्या है रोड बंद करने में, लेकिन आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ ही मुगल रोड जो है वो 3 दिन के बाद खोली गई थी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से मुगल रोड जो है बंद हो गई थी। कल ही मुगल रोड को खोला गया था 3 दिन के बाद, और आज फिर से एक बार इंतजामिया की तरफ से आर्जी तौर पर मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। वजहवात मालूम करने की हमने कोशिश की है लेकिन अभी तक मालूम ना हो सका, लेकिन फिलहाल जो लोग मुगल रोड पर सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए बुरी खबर है कि मुगल रोड को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब ये बंद जो है कब तक रहती है, शाम तक रहता है या कल तक रहती है, ये हम अपडेट आपको बाद में अपने चैनल के जरिए आपको बता देंगे कि मुगल रोड कब खुलेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मुगल रोड को जो है आर्जी तौर पर इंतजामिया की तरफ से बंद कर दिया गया है, और जब भी खुलेगी हम इंशाल्लाह जेके आवाज़ न्यूज़ जो है वो आपको इसके बारे में आगाही जरूर देगी कि मुगल रोड खुलेगी या नहीं खुलेगी या कब खुलेगी। जैसे ही मुगल रोड के बारे में मज़ीद अपडेट हमारे पास आएगी हम आपको जो है ये अपडेट दे देंगे। आवाज़ न्यूज़ और मज़ीद इसी मुगल रोड पर अपडेट लेकर आपके सामने जल्दी पेश होंगे। खुदा हाफिज़।